हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशाज टेस्टी वर्ल्ड। तो आज हम देखने वाले बहुत ही टेस्टी हेल्दी बीटरूट पापड़ की रेसिपी, और इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं। इतना आसान तरीका आपने आज तक देखा नहीं होगा। बहुत ही अलग अलग टाइप से बीटरूट पापड़ बनते हैं, सबकी अलग अलग मेथड रहती है, लेकिन आज हम जो पापड़ की रेसिपी देखने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसकी रेसिपी। तो इसके लिए हमें चाहिए बीटरूट। बीटरूट लेते टाइम आप डार्क कलर का ही लीजिए, क्योंकि डार्क कलर के बीटरूट हैं तो पापड़ में कलर बढ़िया आता है। तो ऊपर का जो छिलका है वो हमें निकालना है, तो इस तरीके से मैं छिलका निकाल रही हूँ। बीटरूट सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन बीटरूट के पापड़ आपने बनाए नहीं होंगे, तो इसे आप इस मेथड से ज़रूर बना कर देखिए। तो देखिए, मैंने बीटरूट को वॉश करके लिया है, छीलने के बाद हम इसे वॉश करना है। तो इस तरीके से स्मॉल पीस में हम इसे कट करेंगे, क्योंकि हम इसे मिक्सी जार में डालने वाले हैं। तो फटाफट से सभी बीटरूट मैं कट करके लेती हूँ। यहाँ मैंने 4 बीटरूट लिए हैं, तो 1 कप चावल के लिए 4 बीटरूट इनफ होते हैं। तो फ्रेंड्स, बीटरूट को मैंने कट करके लिया है, अब हम इसे मिक्सी जार में डालना है और इसकी फाइन पेस्ट बनाएंगे हम। जितना हो सके उतना फाइन इसे बनाना है। देखिए, इस तरीके की पेस्ट बन चुकी है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो करीब 2 कप पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पीसते टाइम भी मैंने इसमें पानी ऐड किया था, और भी मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमें इसका पूरा जूस निकालना है। तो इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी होगा तो जल्दी से जूस निकल आता है। तो इस तरह से मैंने छलनी ली है, छलनी में हम थोड़ा थोड़ा करके बीटरूट का मिक्सचर इसमें डालेंगे और इस तरह से हम छान के लेंगे। तो सभी बीटरूट का जो मिक्सचर है उसे मैं इसी तरह से छान के लेती हूँ फ्रेंड्स, और फिर आपको मैं दिखा दूँगी। मैंने यहाँ 1 कप चावल लिए हैं, आप किसी भी टाइप के चावल यहाँ ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ जो बासमती राइस है, स्मॉल वाला जीरा राइस, उसी को लिया है। आप सादा राइस लेंगे तो भी चलेगा। तो इसे अच्छे से क्लीन करके 3-4 बार वॉश करके लिया है, और हम इसे एक कुकर में डालने वाले हैं। तो जिस कप से हमने चावल लिए थे उसी कप से हम नाप के इसमें जो बीटरूट का जूस हमने निकाल के लिया है वो डालेंगे। तो यहाँ हमें 4.5 कप जूस चाहिए। 1 कप बासमती राइस के लिए 4.5 कप जूस इनफ होता है, बट आप किस तरीके के चावल यहाँ यूज़ कर रहे हैं उसी पे डिपेंड होता है कि आपको इसे पकने के लिए या पेस्ट बनाने के लिए कितना जूस लगेगा। तो इसमें मैंने नमक डाला है। तो अब हम इसे गैस पर रखेंगे और 5 व्हिसल आने तक हम इसका वेट करेंगे, और 5 व्हिसल आने के बाद ही हम इसे बंद कर देंगे और थोड़ी देर के बाद इसे ओपन करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की पेस्ट, इस तरीके से ये मिक्सचर बन चुका है। तो इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। ये गरम ही है, जब ये गरम होता है उस टाइम ही हमें पीस के लेना है। तो बहुत ही बढ़िया पापड़ बन के रेडी होते हैं फ्रेंड्स। तो मैं इसे पीस के ले रही हूँ। इसके लिए हमें मिक्सी जार लेना है, और इसी मिक्सी जार में हम थोड़ा थोड़ा करके ये चावल का मिक्सचर डालेंगे और इसे पीस के लेंगे। तो इसके लिए आप किसी भी टाइप के चावल यूज़ कर सकते हैं, सादे वाले चावल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास अभी यही थे इसलिए मैंने इसी का यूज़ किया है। तो इस चावल के लिए तो पानी की मात्रा परफेक्ट है, बट आप जिस तरीके के चावल यूज़ कर रहे हैं उसके लिए कभी कभार क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, तो आप उस बात को याद रखिए फ्रेंड्स। तो इसी तरीके की पेस्ट हमें बना के लेनी है। परफेक्ट ये पेस्ट बन के रेडी हुए हैं। तो सभी चावल मैं इसी तरीके से पीस के लेती हूँ। तो देखा ना कितना आसान है इसे बनाना, बहुत ही जल्दी हम ढेर सारे पापड़ बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने पापड़ के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, अगर आपने वो वीडियोस देखे नहीं तो प्लीज़ देख लीजिए। तो इतना चावल का बैटर बन चुका है, इसी में हम डालेंगे रेड चिली पाउडर। आपको कितना तीखा पसंद है उसी पे डिपेंड आप इसमें रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं फ्रेंड्स। बाद में हम लेंगे जीरा। तो मैंने यहाँ 1 स्पून जीरा लिया है, और अगर आपको और ज़्यादा फ्लेवर इसमें ऐड करने हैं, और मसाले ऐड करने हैं, तो आप कर सकते हैं आपके पसंद से। अगर आपको चाट मसाला डालना पसंद है तो वो भी आप डाल सकते हैं। धनिया की पत्तियाँ डालना पसंद है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये रेडी हो जाता है पापड़ बनाने के लिए।
तो हम इससे आराम से पापड़ बना सकते हैं। ये इस तरह के पापड़ बनाने का यही एक फ़ायदा है कि हम इसे आराम से बना सकते हैं, मीन्स जल्दी जल्दी से ये गाढ़ा हो जाएगा, तो फटाफट से बनाना है ऐसी कोई बात ही नहीं इस पापड़ को बनाते टाइम, तो इसीलिए ये बहुत ही ईजी लगते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ घर के बाहर इसे बना रही हूँ, तो नीचे मैंने वाइट कलर का क्लोथ बिछा दिया है, उसके ऊपर मैंने एक प्लास्टिक का शीट लिया है और इसी के ऊपर हम पापड़ बनाएंगे। आप इसे स्पून से भी बना सकते हैं, अगर आपको छोटे वाले पापड़ चाहिए तो स्मॉल स्मॉल स्पून से भी आप इसे बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बन जाएंगे। लेकिन मैंने यह जो पड़ी होती है वो स्मॉल वाली पड़ी ली है और उसी से ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये पापड़ थोड़े बड़े चाहिए। जब हम बड़े पापड़ बनाते हैं तो क्या है कि थोड़ा सा यूनिक लगता है और खाने में भी मज़ा आता है। तो देखा ना फ्रेंड्स, कितना आसान मेथड है। सिंपली हमें क्या करना है, एक पड़ी भर के बैटर लेना है और प्लास्टिक शीट पर रख के राउंड राउंड घुमाना है, तो इसी तरह से घुमाने के बाद रेडी हो जाता है पापड़। तो ठीक इसी तरीके से सभी पापड़ मैं बना के लेती हूँ। बहुत तेज़ धूप है तो ये एक दिन में ही सूख जाते हैं, लेकिन दो दिन के लिए हम इसे सुखा के लेंगे अच्छे से। अगर आप अच्छे से सुखाएंगे तो ये स्टोर करके भी आप रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते, इसीलिए आपको बीच बीच में इसे सुखाना भी पड़ेगा। अगर इसी मेथड से आप बहुत ही अलग अलग टाइप के पापड़ बना सकते हैं, मीन्स अभी हमने जो बीटरूट पापड़ बनाया है तो सभी जो मेथड है यही यूज़ करना है, सिर्फ आपको बीटरूट की जगह कैरेट यूज़ करना पड़ेगा। तो कैरेट आप यूज़ करेंगे तो कैरेट पापड़ बन जाएगा, मीन्स गाजर का जो पापड़ होता है वही बन जाएगा। और अगर आपको पालक पापड़ चाहिए, पालक का हेल्दी पापड़ चाहिए, तो आप क्या करें, जो हमने बीटरूट लिया है उसी जगह आप पालक ले सकते हैं अच्छे से वॉश करके, और फिर पालक को भी मिक्सी में पीस के उसका जूस निकाल के आप चावल में डाल सकते हैं। और जब हम चावल पकाएंगे तो पालक भी बढ़िया तरीके से पक जाएगी, इसलिए वो पापड़ भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। पालक के साथ चावल का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगेगा फ्रेंड्स। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पालक के साथ हम हमेशा चावल खाते हैं तो बढ़िया टेस्ट आती है, और चावल के साथ पालक के पापड़ हम बनाएंगे तो क्या बताओ, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगी। तो इतने सारे पापड़ बन चुके हैं 1 कप चावल से, तो आज फुल डे हम इसे धूप में रखने वाले हैं, तो शाम के टाइम तक ये सूख जाएंगे। और सूखने के बाद हमें इसे निकालना भी नहीं पड़ता, ये पेपर से ऑटोमेटिकली छूट जाते हैं। अगर आप स्मॉल बहुत ज़्यादा पतले पापड़ बनाना चाहते हैं तो आप घर के अंदर भी बना सकते हैं, इसके लिए धूप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप शाम को इसे बनाएंगे और ढक के रखेंगे, फ़ैन ऑन करना पड़ेगा आपको, और फैन के नीचे भी ये ड्राई हो जाते हैं। तो देखिए अभी ये इस तरीके के हो चुके हैं, तो अभी इवनिंग का टाइम है, कल और एक दिन मैं इसे सुखाने वाली हूँ, तो कल किस तरीके से ये दिखते वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो देखिए ये अभी तक पेपर से चिपके हुए हैं, निकल नहीं रहे हैं, हम खींचेंगे तो निकल जाएंगे, बट ये सूखे नहीं है, तो इस तरह से हमें निकालना पड़ेगा इसे। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट बन चुके हैं, बहुत ही प्यारे राउंड शेप में बड़े बड़े पापड़ बन के रेडी हैं। तो इसी तरीके से मैं इसे कल भी सुखा के लेती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अभी ये दूसरा दिन है, दूसरे दिन में फुल डे मैंने इसे सुखाया है, तो ये इस तरीके से बने हैं। तो अब हम इसे टिन में भर के रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स आगे हम इसे फ्राई करके भी देखेंगे ये किस तरीके के दिखते हैं। तो इस पापड़ को हम जब फ्राई करते हैं उस टाइम ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो क्या होता है कि इसका कलर भी चेंज होता है और इसकी टेस्ट भी बिगड़ जाती है। सो उस बात को आप याद रखिए फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा मेरा फुल हाथ भर के ये पापड़ बना है, बहुत ही बड़ा बना है। तो देखिए इस तरीके से हम इसे फ्राई करेंगे, तो फ्राई करने के बाद कुछ इस तरीके से ये दिखता है, फूला है बहुत ज़्यादा। तो इसी तरीके से 3-4 पापड़ में फ्राई करके लेती हूँ, तो देखा ना कितना प्यारा कलर इसका आया है। तो आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं, भाकरी के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने ये वीडियो पूरा जरूर देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दे दी है। सभी वीडियोस में मैं पूरी तरह से डिटेल में सब कुछ बता देती हूँ, ताकि कोई भी बिगनर्स हो, पहली बार में पापड़ बना रहे हैं या कोई भी रेसिपी बना रहे हैं, उनके जल्दी से समझ में आए।
इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड एंजॉय. थैंक यू फॉर वॉचिंग आशा'स टेस्टी वर्ल्ड.